जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है, युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज, किंतु बालक बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए बात बड़ी ही सरल है, आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व हो। राधे राधे।